कमाल है, गजब है, ना मलाल है और ना ही कानून का डर, फिर भी कानून पर भरोसा और स्वागत ऐसा कि मानो जेल जाकर कोई बड़ी जंग जीत ली हो। तस्वीर में आप पहचान ही गए होंगे कि पूरे रोप के साथ विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थकों ने उनका कैसे स्वागत किया। मलिंगा ने देश को गोल्ड मेडल जिता दिया हो, इस तरह का स्वागत विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का उनके समर्थकों ने किया। ये वही गिरिराज सिंह मलिंगा है जिसने जेएनएन को पिटवाया, लेकिन अब स्वागत ऐसा कि मानो गलती पर जरा भी मलाल ना हो। लेकिन सोचा ना था सरकार इतनी जल्दी गिरिराज सिंह मलिंगा का कोरोना ठीक कर देगी। कौन सी दवा सरकार के पास है जो कोरोना मरीजों को कोरोना काल में भी नहीं मिली, नहीं तो मरीज भी एक दो दिन में जल्दी स्वस्थ हो जाते। ये तो सरकार ने या तो धोखा किया या फिर गहलोत ने अपने खास विधायक के लिए कोई खास दवा जरूर रखी होगी जिसे लेते ही मलिंगा पॉजिटिव से अचानक नेगेटिव हो गए, बिजली विभाग के जेएन और एएन के हाथ पे तुड़वाए गए। लेकिन ये स्वागत तो ऐसा हुआ मानो मलिंगा ने कोई लड़ाई या फिर जंग जीत ली हो। वैसे गहलोत साहब, जनता ना पागल है और ना ही बेवकूफ जो सच ना समझ सके कि आखिर गिरिराज सिंह मलिंगा ने क्या किया था। गुलाबी टाइम्स ने उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को दिखाया था जिसमें हर्षदापति ने गुलाबी टाइम्स को सच बताया था कि आखिर क्या हुआ था। मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं बहुत ही गंदे तरीके से, मेरे मुंह पे पैर रखा है एमएलए के दर्शन मलिंगा ने और पीछे से एक आदमी डाल के मेरी दाढ़ी खींची है। सर वो कितने लोग थे? 6-7 लोग थे सर। टोटल आपके जो देश घटा लगाया है ऐसे पे वो किसी ने लगाया? सर मैं गिरिराज सिंह मलिंगा के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। 10 मिनट तक मुझे मारा उन्होंने, उसके बाद में जब मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया तो छोड़ के चला गया। मुझे होश आया, मैं चिल्ला रहा था मुझे कोई निकाल लो, कोई बचा लो मुझे, मेरा हाथ पर जाति सूचक शब्द बोले गए, हर्षदापति के मुंह पर पैर रखा गया, बाल खींचे गए, सिर पर कट्टा भी लगाया गया। ये वो हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। और उससे बड़ी हकीकत यह है कि जाति सूचक शब्दों में कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं जिसे एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते शायद हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम आपको फिर भी ये शब्द सुनाएंगे क्योंकि वही राजस्थान है जहां राजस्थान में सुनहरे कल का सपना लिखा जाता है और उसी राजस्थान में जाति के नाम पर आज भी नीचा दिखाने की कवायद चल रही है। काम नहीं कर रहे थे तो वो मेरी आवाज़ सुन के वापस आया कि फिर जाति सूचक शब्द कहने लगे कि क्या कहा, इस बंगी के बहुत चर्बी चढ़ी हुई है, इसने सुअर खाया है, इसको और मारो। तो उस समय उसके साथ में गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ में एक आदमी था, समीर खान नाम है उसका, वो अपने आप को पार्षद पता था वार्ड नंबर 2 का गाड़ी का, वो भी अंदर आया था, उसने भी देखी है सारी चीज़ें। और फिर और लोग आ गए अंदर क्रिकेट बैट्स से, फिर मुझे क्रिकेट बैट्स को आड़ा करके मुझे मारा, मेरे टीमों पर मारा, मेरे सर पर वार कर रहे थे, मैंने मेरे हाथों से बचाया खुद को वरना मेरी जान चली जाती, कोई कुछ बचा के लिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने 10 मिनट तक मारा दिए थे और पूरा ऑफिस खाली कर दिया। मेन चीज़ उनका यही था कि मैं हर तरफ कार्रवाई कर रहा था, बाड़ी में जब 5-5 साल से कोई गया नहीं था स्कूल में पढ़ने के लिए, मैं गया था और ईमानदारी से काम कर रही थी। मेरा नाम हर्षादी पति है, मैं हर्षादी पति से लेता हूँ, सहायक अभियंता हूँ सर जयपुर डिस्कॉम में, फिलहाल बाड़ी उपखंड में कार्य रहती है। इसलिए हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नेताजी जेल जाते हैं, जमानत मिलती है, कोरोना पॉजिटिव बता दिए जाते हैं और अचानक नेगेटिव भी हो जाते हैं और चेहरे में ना कोई मलाल है ना ही कोई दुख, बल्कि ये तो शक्ति प्रदर्शन है। मानो बोल रहे हो कि विधायक हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कानून इनका है, फिर चाहे किसी के हाथ पैर ही क्यों ना तुड़वाना पड़े। अगर ये सच नहीं है तो क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है?